कांग्रेस गजनी फिल्म की आमिर खान की तरह हो गई। इंदौर में देवेंद्र फडणवीस बोले, कांग्रेस न राम की न काम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस गजनी फिल्म की गजनी आमिर खान की तरह हो गई है। वो जो वादे करती है उसे याद नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस न राम की है और न ही काम की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इंदौर 3 से बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला के समर्थन में सभा करने के लिए इंदौर आए थे। रामबाग क्षेत्र में आयोजित सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बाद में मीडिया से चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि आचार्य जी को ये बहुत देर से पता चला कि कांग्रेसी राम के भी नहीं है और काम के भी नहीं है। आज उन्होंने सच बोल ही दिया कि कांग्रेस को हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, राम जन्मभूमि से नहीं, प्रभु श्री राम से नफरत है। तो कांग्रेसियों का चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आचार्य जी ने ही उजागर कर दिया। हम तो कई वर्षों से उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज सत्य उनके ध्यान में आ गया। जो सत्य पूरा देश जानता था, आज उसको उन्होंने उजागर कर दिया। कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है या नहीं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो इसी बात से प्रभावित भी हूँ और आनंदित भी हूँ कि उन्होंने सच बोला है और सच बोलने की हिम्मत की है। वहीं गोलू के लिए कहा कि गोलू के रूप में ऐसा प्रतिनिधि आपको मिलेगा जो आधी रात को भी आपके लिए खड़ा रहेगा। इंदौर क्या मैं भी फोन करूं तो मदद के लिए विराट को मुंबई से पहुंच जाएं? पूरा भारत उनके पीएम नरेंद्र मोदी पीछे खड़ा है जो राम जी के पीछे खड़े हैं। पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है तो राम जी का मंदिर बनाने वाले हैं। पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है जो जय श्री राम कहते हैं, जो भारत माता की जय कहते हैं। मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश भी उन्हीं के पीछे खड़ा होगा। आज धनतेरस का दिन है। बीजेपी के लिए तो जनता ही धन है, जनता ही हमारा सोना है। बुद्धिजीवियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी कई बार वोट करने नहीं जाते हैं, इससे वोट परसेंट कम होता है। लोगों को लगता है कि मेरे एक वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। एक एक वोट महत्व का है। अगर छोटी सी गलती से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाए तो हमारे विकास की ट्रेन को मोदी जी का इंजन दिल्ली की ओर खींचेगा, आगे की तरफ। विकास के लिए खींचेगा तो वहीं कमलनाथ जी का इंजन दूसरी ओर हमें खींचेगा। ऐसे में विकास की ट्रेन न आगे जाएगी न पीछे जाएगी। वहीं डबल इंजन की सरकार विकास की ट्रेन को इस गति के साथ ले जाएंगे कि इसे कोई रोक नहीं सकेगा। याद रखिए, ये 5 साल भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। ये नेता हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं। वे हिंदू धार्मिक गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। अगर पार्टी नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाए। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम न होने पर प्रमोद कृष्णम बोले, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व हिंदुओं का समर्थन न चाहता हो। ये भी मुमकिन है कि उन्हें एक हिंदू गुरु को स्टार प्रचारक नियुक्त करने के मकसद से कुछ खामी नजर आती है। ये पार्टी का फैसला है। ये इतने होशियार लोग हैं, ये जो है ये गजनी पिक्चर के गजनी है, ये भूल जाते हैं, इनको भूलने की बीमारी है। ये आज क्या वादा करते हैं इनको कल याद रखना नहीं पड़ता है, याद रखते भी नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव है, राहुल जी आते हैं, प्रियंका जी आती है, हमारे कमलनाथ जी आते हैं और ऐसे ऐसे वादे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वादे करने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं होते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।